क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है, इफ़ वी इज़ द वेक्टर स्पेस इज़ द सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, वी जो है वेक्टर स्पेस बनाता है रियल वैल्यूड फंक्शन का, ओके, यानी ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू रियल हो, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के ऊपर जो है, ओके, वी एक वेक्टर स्पेस बनाता है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, देन शो दैट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको दिखाना है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो हल है, ओके, वो इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ वी, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ओके, अर्थात मेरे को इस कंडीशन का यूज़ करते हुए इसी तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो वेक्टर सब स्पेस की फॉर्म के अंदर होती हैं, ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना मेरे को गिवन क्या है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेरे को गिवन क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, गिवन फील्ड क्या है भाई मेरा, इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर हो चुका, एंड जिसको मेरे को दिखाना है W इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, जिसको मेरे को दिखाना है इज ए सब स्पेस, यानी इसको दिखाना है कि सब स्पेस है, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सेट है, W मेरे पास क्या है, सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो के है 2d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 dy बाई डी एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, ओके, ये किस तरह का सेट है, दिस इज़ द पॉइंट, यानी W के अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस रखी हुई है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस रखी हुई है, मान लिया जाए पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है 2d² y1 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 dy1 ओवर डी एक्स प्लस के 2y1 इज इक्वल टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये रखी हुई है। इसी तरह से दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन रखी हुई है, सपोज दैट d2 ये y2 में ले लो आप, डिवाइडेड बाई dx2 माइनस के 9 dy2 ओवर dx प्लस के 2y2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेट के अंदर रखी हुई है। मेरे को दिखाना है, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव दैट W इज ए सब स्पेस, ओके, W सब स्पेस दिखाना है, अर्थात मेरे को दिखाना है A अल्फा प्लस के B बीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, W होना चाहिए, और A और B किसके अंदर से हो, R के अंदर से हो, क्योंकि फील्ड R दे रखा है, और अल्फा और बीटा किसके अंदर से हो, वो W के अंदर से होने चाहिए, ओके, सबसे पहले मैं अल्फा बीटा मानूंगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट अल्फा इक्वल टू, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही मानना पड़ेगा क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू है मेरे पास कितना, कितना है भाई 2 d² y1 ओवर dx² माइनस के 9 dy1 ओवर dx प्लस के 2y1, ओके, ये तो मेरा अल्फा हुआ, बीटा भी इसी फॉर्म में दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू मैंने सपोज किया 2d² ओवर x² माइनस के 9 dy2 ओवर dx प्लस के 2y2, कंडीशन इनके ऊपर जीरो लगा रखी है कि पहली डिफरेंशियल इक्वेशन ये जीरो के बराबर है और ये वाला भी जीरो के बराबर है, ओके, देखो आप पहले वाले एलिमेंट को, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, पहले वाले एलिमेंट को अल्फा, दूसरे वाले एलिमेंट को बीटा मान लिया, नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा का यूज़ करता हूँ, देखता हूँ जीरो बनता है कि नहीं, नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू अल्फा के साथ मल्टीप्लाई जो के है मेरे पास डी वाई वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस के 2y1 प्लस बी इंटू बीटा की वैल्यू डाली 2 डी y2 ओवर d
एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डी वाई टू ओवर डी एक्स प्लस के 2 वाई टू। देख लो आप, आपके सामने है, आपको नज़र आ जाएगा। ओके आगे की तरफ चलता हूँ। ये निकला ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, दो कॉमन लूँगा दोनों के अंदर से, ये वाला और ये वाला कॉमन ले रहा हूँ, जो कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद कॉमन लिया मैंने 2 इंटू सेकेंड डेरीवेटिव भी कॉमन लिया डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरीवेटिव किसका हो रहा है, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो रहा है ए वाई वन प्लस के बी वाई टू का। देखो आप, पहले वाला स्टेप तो ये निकल गया, माइनस के इसके अंदर से 9 कॉमन लिया और डी ओवर डी एक्स कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचा भाई, ये हुआ ए वाई वन प्लस के बी वाई टू बचाना, प्लस के अगले वाले स्टेप के अंदर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये बचा कितना, ए वाई वन प्लस के बी वाई टू बच गया ना। अब जरा इसको देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा 2a, ये हुआ 2a डी टू वाई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2b डी टू वाई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9a डी वाई वन ओवर डी एक्स माइनस के 9b वाई टू ओवर डी एक्स प्लस के 2a वाई वन प्लस 2b वाई टू। इसके अंदर मैंने इसको जोड़ा, a कॉमन लिया इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा मेरे पास 2 इंटू डी टू वाई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस के 2y1 प्लस के b कॉमन लिया। यहाँ मेरे पास क्या बचा, इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से कितना बना, 2 डी वाई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डी वाई टू ओवर डी एक्स प्लस के 2y2। क्लियर, बराबर। पहले वाले की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है, आपको डाउट ना लग जाए इसलिए बता रहा हूँ। ये वाला किसके बराबर है, यहाँ से देखो आप, पहले वाली डिफरेंट ये सेट है, पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर दे रखी है, जीरो के। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर दे रखी है, जीरो के। पहले वाले का क्या निकला, ए इंटू जीरो प्लस दूसरे वाला कितना निकला, बी इंटू जीरो। फाइनली क्या निकल गया, जीरो। यानी मतलब क्या निकला, कंक्लूजन देखो आप, जब मैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा करता हूँ उसका फाइनल रिजल्ट भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब जीरो आ रहा है तो मैं क्या कहूँगा भाई, के अल्फ़ा प्लस के बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। नाउ फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर के आएगा मेरे पास, ज़रा सा पेज उठा लूँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा पेज मिल जाए, यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा। अब ज़रा इस चीज़ को देखो आप, यहाँ से फाइनली मेरे पास ये निकल कर के आया, इधर से देखो ये निकला ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो आ चुका। जब ज़ीरो आ चुका इसका मतलब निकला ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। यानी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में लाने के बाद रिजल्ट कितने के बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। और रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, डब्लू इज ए सब स्पेस, और यही आपका आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।